गोल्ड और सिल्वर की चाल देख लेते हैं। भूपेश जी, क्या हो रहा है गोल्ड और सिल्वर में, आज काफी दायरे में दिख रहा है। जी नमस्कार सर। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का चार्ट का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव समझ आता है मुझे। अभी भी सिल्वर में लेना ही समझ आता है। 75,000 के आसपास भी सिल्वर लेनी चाहिए, अन्यथा सिल्वर में सेफ साइड अगर जाना चाहते हैं तो 75,500 के ऊपर सिल्वर लेनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 75,000 के नीचे का रहेगा। ऊपर में 76,000 और 76,300 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी मुझे अभी हाल फिलहाल कोई बड़ी मंदी समझ नहीं आती। नीचे में गोल्ड में लेवाली करनी चाहिए और यहाँ से तकरीबन 200 से 300 रुपए की तेजी आसानी से गोल्ड में आते हुए समझ आती है, जिसमें भाव 69,850 और 930 तक के संभावित नजर आते हैं। तो लग रहा है कि यहाँ पे हर लोअर लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, गोल्ड और सिल्वर खरीदारी की सलाह। अमित जी, आपकी सलाह क्या है? आप सहमत हैं? आपको भी लग रहा है खरीदारी ही करनी चाहिए? जी नमस्कार सुमन जी। देखिए मैं मीडियम टर्म बेसिस यस गोल्ड और सिल्वर में तेजी में हूँ, लेकिन प्योरली शॉर्ट टर्म यानी मैं 1 से 2 दिन के लिहाज से अगर देखूं तो डॉलर इंडेक्स में जो रिकवरी आई है वो कुछ और समय तक एक्सटेंड होने की संभावना है। पॉसिबली एफओएमसी मीटिंग जो आने वाली है अगले हफ्ते, तो गोल्ड और सिल्वर वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस दबाव में रह सकता है, क्योंकि 1985 डॉलर्स प्रीवियस पीक भी थे जो हमने मई के महीने में आते हुए देखे थे, वहीं पर बाजार अटका है। मुझे लगता है कि ये जो फॉल है थोड़ा और एक्सटेंड होगा। शॉर्ट टर्म बेसिस में बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा 59,650 पे, एक रिलेटिवली छोटा स्टॉप होगा 59,850 का और 59,300 के लक्ष्य होंगे। सिमिलरली चांदी की बात करें तो 75,700 पे बिकवाली की सलाह होगी, 74,700 के टारगेट के लिए और 76,300 का। ओके, यानी अमित जी को लगता है कि यहाँ पर बेचकर जाना चाहिए गोल्ड और सिल्वर। टारगेट है 59,300 नीचे का, लेकिन एक दायरे में है तो उस दायरे में ही आपको ट्रेड करना है। और चांदी 75,700 के लेवल पे बेचे 74,700 के टारगेट के लिए। तरुण जी, आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? हाय, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। आई थिंक मीडियम टर्म के लिए रैली कंटिन्यू करेगा डॉलर इंडेक्स में, नो डाउट। शॉर्ट टर्म में रैली आया है जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में फिर से प्रॉब्लम इमर्ज हुई है, बट वो टेम्परेरी है। डॉलर इंडेक्स का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली नेगेटिव है, और अगर फेड हल्का सा भी हिंट देता है अपकमिंग मीटिंग में कि इंटरेस्ट रेट अभी पीक होने वाले हैं, तो अल्टीमेटली डॉलर इंडेक्स में और करेक्शन देखने को मिलेगा विच विल सपोर्ट गोल्ड प्राइस की रैली को। सो आई एम बुलिश ऑन गोल्ड। मुझे ऐसा लगता है 58,500 इजीली और डाउन साइड में डोमेस्टिक बोर्सेज में नहीं काटेगा, एंड प्रॉबली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 62,000। इवन इंटरनेशनल मार्केट में जब तक 1920 के ऊपर प्राइस, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ग्रेजुअली $2,100 तक गोल्ड के प्राइस आने चाहिए। जतिन, दो तेजी में और दो एक मंदी में अब तक तीन गेस्ट, आपकी राय क्या है? जतिन, आपसे मेरा सवाल था गोल्ड और सिल्वर पर। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखने जाएंगे तो मार्केट का रिएक्शन जो थोड़ा सा नेगेटिविटी का जो है वो थोड़ा सा बन सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से कल हमने सेलिंग देखी है जॉबलेस डेटा के बाद प्रॉफिट बुकिंग जो है गोल्ड और सिल्वर में आया है, और डॉलर इंडेक्स जो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जो रैली दिखा रहा है थोड़ा सा और अगर बढ़ना शुरू कर देता तो गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म यस अमित के साथ मेरा व्यू पॉइंट रहेगा कि 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट जो रख के चलते हैं उनके लिए ये कॉल रहेगी, सेल करके चल सकते हैं गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर जो है वो 75,450 75,550 के आसपास सेल करके चले, 75,850 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है और टारगेट जो है 74,850 के आसपास रखना है। गोल्ड जो है वो भी इन लाइन व्यू रहेगा, सेलिंग का ही करना है, 59,550-600 के आसपास करंट मार्केट के आसपास ही सेल करना है। 59,750 का स्टॉप लॉस रहेगा और 59,250-200 का टारगेट रहेगा। ब्रॉडली ट्रेंड यस पॉजिटिव ही दिख रहा है मुझे भी, लेकिन क्योंकि जो एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं वो हमारा शो देखते हैं तो उनके लिए जो है ये व्यू पॉइंट है कि जो 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट है इंट्राडे व्यू पॉइंट जो लेकर करते हैं उनके लिए सेल साइड की रिकमेंडेशन है। ओके, जी विश्व,